हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया कुकिंग विद यास्मिन। आज हम बनाएंगे बड़ा पाव। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे ये बनता है। और हमने इसे जार ले लिया। पहले एक चटनी बना लेंगे, ग्रीन चटनी। उसमें बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। ग्रीन चटनी के लिए हमने अच्छी तरह से वॉश करके हरा धनिया ले लिया है, एक ग्रीन चिली ले लिया है, कट 1-2 टेबल स्पून ले लिया है, एक टुकड़ा जिंजर डाल देंगे एंड थोड़ा सा इस पे पेपर कन है, काली मिर्ची एंड साबुत धनिया, इसे भी हम डाल देंगे। और डालेंगे पिंच ऑफ शुगर। चटनी पे ज़रूर ऐड करें क्योंकि चटनी पे एक अच्छा सा फ्लेवर इन्हांस होता है एंड सॉल्ट टू टेस्ट। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे, एक स्मूथ सा चटनी बनाकर रेडी करेंगे। देखिए हमने चटनी बना लिया है, देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे चटनी बन के तैयार है। अब इसे एक पाव पर ट्रांसफर कर लेते हैं। अब बड़ा पाव का मसाला भी बना लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई ले लिया है, ऑयल ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून। इसे गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हमने इस पर हींग ऐड कर दिया है। अब ऐड कर देंगे राई, 1 टीस्पून राई हमने ऐड कर देना है। और फ्लेम अभी लो कर लेंगे। कटा हुआ करी लीफ डाल लेंगे। हमें एक ऐसे कूट के एक चटनी बनाना है, जैसे कि इसमें हमने गार्लिक डाला है, ग्रीन चिली डाला है एंड साबुत धनिया कोरिएंडर डाला है। तो इसे हमने ऐसे दरदरा कूट लिया है। अब इसे भी इस पर ऐड कर देंगे। बस कुछ सेकंड के लिए इसे सॉटे कर लेंगे। अब इसे हम ऐड कर देंगे मैश किया हुआ पटाटो, आलू। ये अच्छी तरह से मैश करें, बिल्कुल टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। अब इस पे हम कुछ स्पाइसेस पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। एंड इसे अच्छी तरह से मैशर से मैश कर लेंगे। बिल्कुल ये मैश होना चाहिए बिल्कुल। हमने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है, देखिए मिक्स कर लिया, फ्लेम लो है। अब इसी टाइम हमने घर पे थोड़ा सा पीनट्स भी ऐसे फ्राई कर लिया था, इसे भी ऐड कर देंगे। आपके पास अवेलेबल हो तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। देखिए इसे हमने लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इसे भून लिया है। अब फ्लेम ऑफ कर लेंगे। ये बिल्कुल तैयार है मसाला हमारा। अब चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमने यह मसाला बना लिया था, इसे पार्सल कर लिया एक बाउल पे और ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। अब हम ले लेंगे इसको, फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने ले लिया यहाँ पे बेसन, इस पर डाल देंगे थोड़ा सा लेमन जूस। आपके पास लेमन हो तो लेमन भी डाल लें। हमने जो बेसन लिया था, बेसन से और भी 1/2 से 1/4 हमने इसे थोड़ा चावल का आटा ऐड कर दिया है, राइस फ्लोर। एंड इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर एंड टर्मरिक एंड सॉल्ट टू टेस्ट। अब इसे मिक्स कर लेंगे, पानी स्लोली स्लोली ऐड करें। आपको जितना बड़ा बनाना है आप अपने हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं बेसन। देखिए इसका कंसिस्टेंसी, देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इतनी रखना है। ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया था, अब ये गरम हो चुका है। अब इस पे हम थोड़ा डालेंगे, इसे गोल कर लो इसे हाथों से। अब इसे बेसन पे डिप कर लें, स्पून के हेल्प से भी कर सकते हैं और हाथों से भी कर सकते हैं। ऑयल पे डाल देंगे, ऑयल डाल देंगे।
हमारा जो आलू वाला जो बड़ा है ऑलरेडी बिल्कुल अच्छी तरह से कड़क बन के तैयार है। अब इसे ट्रांसफर कर लेंगे, ऑयल से निकाल लेंगे। पाव हमने ऐसे मिडिल से कट कर लिया है, इसे थोड़ा सेक लेंगे। हमने जैसा हरा धनिया दही वाला चटनी बनाया था इस पर ऐसे पोर कर लेंगे, लगा लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही जल्दी बनने वाला है बड़ा पाव है, बस सेक इसे रख लें मिडिल पे और इसे बंद कर लें। और इसके साथ में फ्राई किया हुआ ग्रीन चिल्ली, देखिए कितने जल्दी बनने वाला ये बड़ा पाव है। आप घर पे जरूर बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।